6 class, this is your math subject. Children, today we are going to continue our chapter 9, exercise 9.C. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. So, in this exercise, we read about curve. So, what is curve? Curve, beta, वो होता है जिसको हम freely hand से draw करते हैं without scale का use करे हुए. So, यहाँ पर आप जो example देख रहे हैं, these are curves. Now comes next page. कर्व्स टू टाइप्स के होते हैं बेटा. वन इज ओपन कर्व एंड सेकंड इज क्लोज कर्व. सो व्हाट इज ओपन कर्व? अ कर्व व्हिच हैज टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व. एंड जो इनके एंड पॉइंट होते हैं वे मीट नहीं होते. नाउ सी द एग्जांपल्स. दीज आर ओपन कर्व्स एंड क्लोज कर्व्स. अ कर्व व्हिच एंड्स वेयर इट बिगिन इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व. इट्स इंटीरियर पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर सेम. ओके, सो यहाँ पर आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड कर्व. नाउ नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व. सो ये थ्री पार्ट्स में होते हैं बेटा. फर्स्ट इज इंटीरियर ऑफ द कर्व इनसाइड. सो यहाँ पर जो फिगर देख रहे हैं, दिस इज कर्व. नाउ इनके जो इंटीरियर पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, मीन्स जो इनसाइड है कर्व के. सो पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर इंटीरियर ऑफ कर्व. नाउ सेकेंड, एक्सटीरियर ऑफ कर्व मीन्स जो आउटसाइड है. सो आउटसाइड पॉइंट हमारे कौन से हैं कर्व के, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ. नाउ थर्ड, ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व, कर्व इटसेल्फ जो हमारे कर्व के ऊपर बने हुए हैं. सो पॉइंट जी, एच एंड आई. ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे पॉलीगॉन. सो व्हाट इज पॉलीगॉन? द टर्म पॉलीगॉन ड्राइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉली. पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन्स मीन्स कॉर्नर या एंगल. ओके, नाउ यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं पॉलीगॉन के. नाउ मिनिमम थ्री लाइंस सेगमेंट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पॉलीगॉन. कम से कम थ्री लाइंस होती हैं पॉलीगॉन्स में. सो यहाँ पर आपको टेबल गिवन है बेटा, पेज नंबर 129 एंड 130 में. सो यू रीड इट एंड ऑब्जर्व दिस टेबल. नाउ यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर थ्री साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स आर थ्री एंड दिस इज फिगर ऑफ नेम ऑफ पॉलीगॉन हमारा क्या है, ट्रायंगल. नाउ हेयर, यहाँ पर हमारे जो पॉलीगॉन है उसका नाम है हेप्टागोन एंड इसकी साइड होती है सेवन. नाउ कम्स नेक्स्ट पेज. नाउ यू सी हेयर, दिस इज फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर. सो इसकी साइड है फोर एंड पेंटागोन में होती है फाइव साइड्स. हेक्सागोन, दिस इज हेक्सागोन, इसमें सिक्स साइड होती है. नाउ नेक्स्ट, ऑक्टागोन में एट साइड्स, नोनागोन में नाइन साइड एंड डेकागोन में टेन साइड्स होती हैं. सो यू रीड इट एंड लर्न दिस टेबल. नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे, इफ ऑल द साइड ऑफ पॉलीगॉन आर द सेम लेंथ देन इट इज अ रेगुलर पेंटागोन. इफ इनकी जो साइड्स होती है वो डिफरेंट होती है इनकी लेंथ, तो इट मीन्स दिस इट टाइप ऑफ इरेगुलर पेंटागोन. नाउ साइड, वर्टेक्स एंड डायगनल ऑफ अ पॉलीगॉन. सो साइड कौन सी होती है बेटा, यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं. सो यहाँ पर जो साइड्स हैं वो है ए बी, बी सी, सी डी, डी एंड ए. ओके, दीज साइड ऑफ पॉलीगॉन्स एंड इनको हम इस टाइप से लिखेंगे. आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं साइड्स को. एंड नेक्स्ट, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है? द टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग वन कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स. सो कौन कौन से हमारे, ए बी एंड बी सी, बोथ लाइन्स में हमारा कॉमन पॉइंट बी है. ओके, सेम आप अदर पॉइंट्स, अदर जो हमारी साइड्स है वो फाइंड करेंगे. यहाँ पर आपको एग्जांपल भी गिवन है. नाउ नेक्स्ट, वर्टेक्स, द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पॉलीगॉन मीट एट अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड वर्टेक्स. सो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हमारे वर्टेक्स हैं ए बी सी डी एंड ई. ओके, नाउ एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से होते हैं? द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स. जैसे यहाँ पर सी डी में बेटा सी एंड डी जो है वो हमारे वर्टेक्स हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स बोलते हैं इनको. नेक्स्ट, डायगनल्स, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स इज कॉल्ड अ डायगनल. जैसे यहाँ पर ए एंड डी को हमने ज्वाइंट किया, सो ए डी इज डायगनल. सेम ए सी इज ऑल्सो डायगनल. नाउ सिमिलरली यू हैव टू फाइंड अदर डायगनल्स. नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. नाइन पॉइंट सी, ए पार्ट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज अ क्लोज्ड कर्व. सो आपको एग्जाम्पल्स गिवन है, इनमें से कौन सी हमारी क्लोज कर्व का एग्जाम्पल है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ सेकेंड, द नंबर ऑफ डायगनल इन अ हेप्टागोन इज, हेप्टागोन में कितनी साइड्स होती हैं. सो 14 इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, अ पॉलीगॉन ऑफ सिक्स साइड इज कॉल्ड. जो सिक्स साइड का पॉलीगॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोन. ओके, नाउ कम्स बी पार्ट.
सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग फिगर्स एज क्लोज्ड और ओपन कर्व. सो ए पार्ट है बेटा, दिस इज ओपन कर्व बिकॉज ये यहाँ से ओपन है, ज्वाइंट नहीं है. नाउ बी पार्ट, दिस इज ऑल्सो ओपन बिकॉज जो क्लोज कर्व होती हैं उनके वन एंड पॉइंट एंड जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है. सो दिस इज ऑल्सो ओपन पॉइंट. नाउ यहाँ पर इन दिस फिगर दिस इज क्लोज कर्व बिकॉज ये क्लोज है एंड डी ऑल्सो क्लोज कर्व. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट वन लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच रिप्रेजेंट. सो ए पार्ट आप देखेंगे ओपन कर्व के लिए हम सी कैपिटल वर्ड को यूज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट को. नाउ बी आप देखेंगे क्लोज कर्व के लिए हम ओ यूज करते हैं. नाउ सी सिंपल कर्व के लिए एस एंड कॉम्प्लेक्स कर्व के लिए आर. ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर थ्री, ड्रॉ अ पॉलीगॉन विद फाइव साइड्स एंड. आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करना है जिसकी फाइव साइड्स होती हैं. एंड ए पार्ट आप देखेंगे शेड इट्स इंटीरियर. आपको वो पार्ट शेड करना है, इंटीरियर पार्ट. सो यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे यहाँ पर हमने फाइव साइड्स का पॉलीगॉन ड्रॉ किया है एंड जो इंटीरियर पार्ट है इसका उसको शेड किया है. नाउ बी पार्ट है बेटा मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट्स बाउंड्री. आपको पी पॉइंट मार्क करना है जो इसकी बाउंड्री पे है. सो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, मार्क किया है. नाउ सी पार्ट आप देखेंगे बेटा इन योर बुक मार्क टू पॉइंट क्यू एंड आर इट्स इंटीरियर. आपको क्यू एंड आर पॉइंट मार्क करने हैं जो इसके इंटीरियर में हो. सो दिस इज क्यू एंड दिस इज आर इंटीरियर पॉइंट्स. नाउ मार्क टू पॉइंट्स एस एंड टी और इट्स एक्सटीरियर. एक्सटीरियर पॉइंट मार्क करने हैं एस एंड टी. ओके, ये हमारे एक्सटीरियर पॉइंट है, मीन्स हमारी फिगर से बाहर है. नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे ई पॉइंट, आप देखेंगे बेटा ज्वाइंट पी क्यू एंड पी टी लाइन. आपको ये लाइन ज्वाइंट करनी है. सो यहाँ पर हमने ज्वाइंट किया है. नाउ एफ पॉइंट इज विच ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू और पी टी. पी क्यू एंड पी टी में आपको बताना है लाइज ऑन द रीजन ऑफ द पॉलीगॉन. सो पी क्यू जो हमारा है वो लाइन सेगमेंट लाइज इन द रीजन ऑफ द पॉलीगॉन. ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन्स. सो आपको बताना है कौन से हमारे पॉलीगॉन्स हैं. सो पॉलीगॉन्स हमारे कैसे बनते हैं, लाइन सेगमेंट के थ्रू. सो बी सी सॉरी बी ई एफ एंड एच. सो दीज आर आवर पॉलीगॉन्स एंड अदर हमारे कर्व हैं. सो दीज आर नॉट आवर पॉलीगॉन्स. सो आवर आंसर इज बी ई एफ एंड एच. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर फाइव, सी इन योर बुक. आपको फिगर गिवन है बेटा. सो इन दिस फिगर आपको फाइंड करने हैं पॉलीगॉन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पॉलीगॉन गिवन है आपको, आंसर बताने हैं आपको. ए पार्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलीगॉन. आप नेम क्या देंगे इस पॉलीगॉन को, हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ. बी पार्ट इज बेटा हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव. इसकी साइड्स कितनी है, सिक्स हैं. वट इज द शेप नेम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड इट हैज. सो साइड के अकॉर्डिंग आप इनको क्या नाम देंगे, हेक्सागोन. नाउ सी पार्ट हाउ मेनी वर्टेक्स डज इट हैव. सो इसमें कितने वर्टेक्स हैं, सिक्स वर्टेक्स हैं. नाउ डी पार्ट हाउ मेनी एंगल्स डज इट हैव. सो एंगल कितने बनेंगे इसमें, सिक्स एंगल बनेंगे. ओके, नाउ कम्स सिक्स क्वेश्चन, रेफर टू द फॉलोइंग ड्रॉ इन क्वेश्चन फाइव. जो क्वेश्चन फाइव की फिगर है बेटा आपको उसे ध्यान में रखना है एंड आंसर देने हैं. नेम द फॉलोइंग. ए पार्ट है बेटा आपका पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड. सो इन दिस फिगर जो हमारे एडजेसेंट साइड के पेयर हैं वो हैं ए बी बी सी सी डी डी ई डी ई एफ एंड ई एफ एफ ए. ओके, नाउ बी पार्ट आप देखेंगे पॉइंट इन इट्स इंटीरियर. इंटीरियर पॉइंट हमारे कौन से हैं फिगर में, जी एंड एच. See in your book and find your answer. Now see point point on the polygon. So polygon के ऊपर जो point है हमारे वो है M and L. Okay. Now D point on its exterior. Exterior point हमारे हैं S and P. Now E part आप देखेंगे pair of adjacent vertex. So AB, BC, CD, DE, EF and FA. Okay. Now children, your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you, students.